तो यार देखो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जिनके बारे में सबने कर रखा था लेकिन हमने नहीं। और भैया हमने नहीं किया लेकिन सबने किया, तो हमने इस बारे में कल सोचा कि हमने क्यों अब तक नहीं किया जब सबने कर दिया। हाँ तो भैया हमने भी लगा कि हाथ में मिट्टी घर में पुट्टी लेके दो दिन का छुट्टी मैदान में कूद गए। चलो अनफनी को अनफनी बोलकर हम भी अपने वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक अंधाधुन कुत्तों की तरह मरवा ले, क्योंकि इनकी ऑडियंस धूम्रपान को इतना उपयुक्त मात्रा में ले चुकी है ना, क्योंकि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है कि यार तुम लॉजिकली बात कर रहे हो, तुम्हारे सारे पॉइंट सही बोल रहे हो विद प्रूफ। ना 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 अरे हमारे ट्रिगू को रोस्ट किया डिसलाइक मार वीडियो पे, ये मजबूर हैं पर आप नहीं। तो यार आज हम लोग बात करेंगे इंडियास बेस्ट 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 एंड बिगेस्ट रिएक्शन चैनल ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान अब ये नाम इस चैनल को उतना ही जस्टिफाई करता है जितना ढिंचक पूजा के करियर को सिंगिंग, क्योंकि भैया इंसान ट्रिगर्ड तब होगा जब वो अपने वीडियो में कम से कम कुछ बोलेगा है करना, और भैया ट्रिगर्ड होना सेम चीज नहीं है। अरे बाप रे हमारे ट्रिगू को लोट कर दिया, लोट कर दिया, लो लो। हेलो आंटी टिंटू है, टिंटू लैटिन में फोन दे दीजिए आंटी। हेलो हेलो भाई टिंटू कहाँ है भाई, तू बता तू कॉल कर रहा हूँ टिंटू। अरे भाई पता है हमारे टिकू को लोट कर दिया बंदा, लोट नहीं भाई मम्मी तो तय जल्दी धुलाए तू आ पहले ऑनलाइन आ। हाँ भाई जल्दी आ जल्दी, वीडियो पे उसका डिसलाइक मारेंगे, खूब गंदी गंदी गालियाँ तेरे जो स्कूल में हम लोग को भैया ने सिखाया था ना भाई। हाँ हाँ वही 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 दिया जाएगा। हाँ भाई जल्दी आ तू। और तुम लोग क्या देख ले हो, तुम लोग को क्या लगा कि हम लोग पहले वीडियो देखेंगे उसमें लॉजिक ढूंढेंगे और पहले देखेंगे कि सही बात बोल रहा है गलत बात बोल रहा है, तब वीडियो पे डिसलाइक और लाइक मारेंगे। पागल होते हैं, हम लोगों के पास इतना दिमाग होता तो हम लोग चीजों के दिमाग को सब्सक्राइब करके रखते। भाई मैंने देखा है कि आजकल पॉपुलैरिटी पाने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉपुलैरिटी पाने के लिए मेहनत करने की थोड़ी ना जरूरत है, क्यों ट्रिगू भैया सही बोल रहा हूँ। अरे बता भी दो, आपके पास तो एक्सपीरियंस है 10 मिलियन हो रहे हैं बिना मेहनत के। तो अगर तुम ट्रिगू भैया की वीडियो में से दूसरों का वीडियो ओवर यूज्ड मीम और बिना वजह ट्रिगू भैया का हंसी निकाल कर अगर तुम इनकी वीडियो में कंटेंट खोजोगे तो वो तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारी क्रश से तुमको भाव मिलता है। टिकटॉक पे भी यही होता था, किसी भी वीडियो के पीछे ऐसा लाफ ट्रैक लगा देते थे, वो अजीब सा वाला, तो वो फनी हो गया। अब मौज पे भी हर दूसरी वीडियो जो मैंने देखी है उसके पीछे लाफ ट्रैक लगा देते हैं, सो इट इज सपोज टू बी फनी। हंसो भाई, ऐसे बैकग्राउंड में हंसी वाला म्यूजिक लगा के थोड़ी ना फनी हो जाता है। ट्रिगू भैया की तरह वही घिसे पिटे मीम का आधा तुम बोल दो और उसके बाद पूरा चला दो, ये फनी होता है। मैं कह रहा हूँ आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। छा गए गुरु भाई। ट्रिगू भैया की तरह जो वीडियो में चल रहा है जो हो रहा है सबको दिख रहा है वही चीज तुम एक्सप्लेन करके बिना वजह का ये ऐसे हंसोगे, ये फनी होता है। विराले बाल वाली लड़की ने अपनी चप्पल उतारी और ये अपने फोन को अपनी चप्पल पे रखा और पेंसिल से मार्क कर लिया है इसने अब, एंड अब ये कट करते हुए मुझे कुछ दिखाएंगे जरा मां। चलो कम से कम ट्रिगू भैया माने तो कि बैकग्राउंड में हे वाला म्यूजिक लगा देने से वीडियो फनी नहीं हो जाती है, नहीं तो भैया आज तक खुद ही करते आ रहे हैं। किसी भी वीडियो के पीछे ऐसा लाफ ट्रैक लगा देते थे, वो अजीब सा वाला, तो वो फनी हो गया। हाय हाय हाय, इतने प्यारे लग रहे हो दोनों। मेट आपने, जी हाँ, तो बेसिकली भी मेट आपने पैसे दिए। तो देखो गाइस, चिपकाया हुआ है, सॉरी, एंड अब ये कट करते हुए फोन। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं नहीं यार, ट्रिगू भैया पहले से अपने कंटेंट में बहुत चेंज लाए, तो पहले लाइफ हैक्स वाले प्रैंक्स वाले या कोई भी रोस्ट करते थे तो भैया जो वीडियो में होता था सेम उसको एक्सप्लेन करके ऐसे थोड़ा हंस देते तो हो गए रोस्टिंग। लेकिन ना 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 भैया, अब 10 मिलियन हो चुके हैं समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा बड़ा रिएक्शन चैनल ये बन चुका है, तो अब जो वीडियो में होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते। ना 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 भाई, सब वही सीन वापस से अपने घर वालों के साथ रिक्रिएट कर देते हैं। जुराब निकालनी है, वो जुराब जो आपने एक हफ्ते से उतारी नहीं है वो लीजिए, और उस 12 seconds later यही नहीं अभी और सुनिए। अरे बहन जी चम्मच को सीधा, मार मार के मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। यही नहीं अभी और सुनिए, पूरा का पूरा बाथरूम का कमोड उठा के ले आई। Few minutes later. वाओ, अभी देखो मैं इसके साथ कहीं भी जा सकता हूँ। ओए ओ गिरी, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और ये देखकर निब्बे ऑडियंस उनके, और ओ हो ट्रिगू ने क्या रोस्ट कर दिया भाई, दीप क्या रोस्ट कर दिया। और भैया मुझे समझ नहीं आता ये रोस्टिंग चैनल रिएक्शन चैनल या डांसिंग चैनल, क्योंकि हर 10 मिनट की वीडियो में 7.5 मिनट तो ट्रिगू भैया का डांस होता है। हम न्याय करेंगे तो अगर हो जाए।
जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो यार आज सुबह से मैं ट्रिगु भैया का वीडियो देख रहा था, मुझे मैं बता रहा हूँ इतना फनी वीडियो बनाते, इतना मस्त जोक मारते अपने पूरे वीडियो में ना कि भैया हंसते हंसते 690 पता नहीं क्यों किस बात पे मर जाते हैं। तुम भी देखो। मुझे बस एक बात बता, लॉजिक क्या था? तू अच्छा खासा झूले पे झूल रहा है, रोमांटिक सॉन्ग चल रहा है एंड एकदम से क्या था भाई? तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान के एक और चैनल के बारे में। अरे नहीं, लाइव इंसान नहीं, फुकरा इंसान। नहीं क्या मतलब कि ये चैनल ट्रिगर्ड इंसान का नहीं है, उसके भाई का है? नहीं भैया, हर वीडियो के टाइटल में ट्रिगर्ड इंसान, हर वीडियो के थंबनेल में ट्रिगर्ड इंसान, हर वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान। तो कैसे न कहूं भैया कि ट्रिगर्ड इंसान का ही चैनल है। अगर भैया इस चैनल से ट्रिगर्ड इंसान को निकाल दोगे तो इस चैनल का करियर उतना ही अच्छा है जितना ढिंचक पूजा का सिंगिंग में। करते कैसे हो ये सब? तो भैया जब मैं छोटा था तो मुझे एक कार्टून शो बहुत ही अच्छा लगता था जिसका नाम था रिची रिच। हाँ, वही लड़का जो हमारे सुनियों को भी अमीरी में फेल कर दे। और भैया जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा मुझे रियलाइज हुआ, ना अरे ये तो सिर्फ शो, ऐसा रियल में थोड़ी ना होता है। लेकिन ना भैया मैं गलत था। अगर अंबानी के टट्टी से कोई कीटाणु भी निकल जाए ना तो वो ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वही है हमारे फुकरे इंसान। मेरी मानो तो इनको यूट्यूब का अंबानी घोषित कर देना चाहिए। गौरव जोन से भी आगे निकल चुके हैं। 30,000 डिलीवरी बॉय को टिप दे देते हैं, 1,00,000 रुपए अपने बहन को शॉपिंग के लिए, 2,50,000 रुपए दे देते अपने भाई को शॉपिंग के लिए, 1,00,000 रुपए दे देते अपने पापा को शॉपिंग के लिए, 2,00,000 रुपए दे देते अपने मम्मी को शॉपिंग के लिए, 10,000 ऐसे भैया स्ट्रेंजर्स को भी दे देते हैं, बैलून में आईफोन को बांध के उड़ा देते हैं। हाँ वो अलग की बात है कि पूरे वीडियो में टेस्टिंग वेस्टिंग आईफोन के साथ होता है और लास्ट में उड़ाने के टाइम भैया कवर उड़ाते हैं। और भैया का ये सब चीजों से मन नहीं भरा तो ये अनाउंस कर दिए, अगर आप चाहते हो कि एक रैंडम सब्सक्राइबर को दीजिए 1,00,000 रुपए तो इस वीडियो का नीचे 5 मिलियन लाइक। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब तो बीमार आदमी। और अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचो कि भैया के चैनल का कंटेंट क्या है तो तुम्हें समझ में आएगा। ये तो टट्टी है। हाँ, क्योंकि भैया का हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात होती है, पैसे 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 पैसे। भैया गौरव जोन भी सोच रहा होगा, ओह नो, मेरे से भयंकर क्लिक बेट कर रहा है यार ये बंदा। ओके, तो नेक्स्ट डे पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, इनके शॉप पे पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हो। भैया स्पॉन्सर तो थोड़ा ठंगा कर लिया करो, क्योंकि भैया ज्यादातर ऑडियंस आपके 10 साल के नीचे वाले हैं और आप उन्हें जुआ जक्कड़ वाले ऐप के बारे में बता रहे हो। वाह भैया वाह। नहीं, अब आप बोलोगे अरे वो तो उनको समझ होनी चाहिए कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बदले मुझे पैसा मिल रहा है ये वो। अरे तो भैया इतने वो समझदार होते, इतना ही समझ होता तो आपका चैनल सब्सक्राइब करके थोड़ी ना रखते भाई। एक सॉन्ग के बाद सरप्राइजेस रुक रहनी चाहिए, इस चैनल को ले जाना नेक्स्ट लेवल पे। तो हाँ भैया बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट लेवल पे ये चैनल आराम से चल जाएगा। बस हर पहला वीडियो छोड़ के दूसरे वीडियो में ट्रिगर्ड इंसान को लाते रहिएगा जैसे अब तक ला रहे हैं। हमारा प्लान था, मतलब सपना था कि हमारी फैमिली में कोई तो बिलबोर्ड पे लगे। हाँ भले ही पैसे देकर क्यों न लगे। अरे भैया ऐसे तो हमारे गली का पप्पू भी लगवा देता है जब चुनाव ना पड़ता है छात्र नेता वाता वाला। तो क्या भैया बिलबोर्ड लगवा दिए तो वो इंडिया का राष्ट्रपति बन गया है? एग्जिट तो डिवाइन बनने चले हैं आप भी। ये मेरा बिलबोर्ड है और यहाँ पहाड़ी हो रही है। भाई साहब देखो, जिंदगी में तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो लेकिन भैया इस लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए कि इतने टट्टी सॉन्ग का तुम बिलबोर्ड इतने प्राउड के साथ लगवा सको। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। दोगुना पैसा ब्याज से आधे बंदे यहाँ रहते हैं, बहु बड़े घूंघट ओढ़ और बात कर लिहाज से। वैसे भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा है कि आप डिलीवरी बॉय को 30,000 रुपए टिप दे रहे हो तो सुनता एक लिरिक्स राइटर भी हायर कर लिए होते भैया। क्या हगे वो लिरिक्स के नाम पे गाने में, नहीं 500 रुपए भी देते ना 500 रुपए लिरिक्स राइटर तो वो भी बहुत ही सही लिख देता। अब भैया इनके घर में किसी को कोई सामान लेना होता तो सीधे सीधे जाकर लेता नहीं है। ना पहले भाई सब जितने अमाउंट का उसको सामान लेना या जो लेना है वो पैसा देगा पहले फुकरा इंसान को, फिर फुकरा इंसान उस पर 16 मिनट की पूरी वीडियो बना देगा गिविंग 2 लाख टू माय मॉम। हां तो भैया आपसे तुम्हें कोई नया सामान खरीदना होगा या तुम्हारे घर पे शादी विवाह या किसी टाइप का समारोह पड़ा हो या फिर उस रिश्तेदार का तेरे हो जो तुम्हारे घर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के टाइम आता है और एक प्लेट नमकीन खाने के बात बोलता है बड़ो कितने आए अंकल जी 99। अरे बड़ो 99 बहुत कम ला दिए, थोड़ा और पढ़ लेते तो 101 ला देते। हाँ तो ऐसा किसी भी टाइप का कोई सा भी कार्यक्रम हो तो भैया एक वीडियो बनाना ना भूलना, स्पेंडिंग 1 रुपीस एंड 5 पैसा ऑन मोस्ट हरामी संकलते रहिए। तो यार मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि YouTube इंडिया के साथ क्या दिक्कत है, मतलब ये जो इंडिया के यूट्यूबर्स होते हैं उनके साथ भाई साहब कौन सा तुमको श्राप लगा हुआ है? अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुमको ऑडियंस पसंद कर रही है, तुमको देख रही है, तुमको सब्सक्राइब कर रही है, तुम्हारा चैनल आगे ग्रो कर रहा है तो भैया ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जब इन लोगों का चैनल ग्रो हो जाता है तो उसके बाद भैया जो ये लोग दही भल्ला मचाते हैं
जाना। और फिर उसके बाद आस पड़ोस रिश्तेदार नानी चाची मामी काकी छोड़ो भैया अपने कुत्ते तक का ये लोग चैनल बनवा देते हैं। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर देना यार, और शेयर वेयर भी कर दिया करो थोड़ा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।